The total number of molecular orbitals formed from 2s and 2p atomic orbitals of a diatomic molecule. तो कितने molecular orbitals form होंगे ये बताना है. तो ये MOT का question है. तो इसमें तो simple ये rule होता है, जितने orbitals participate करेंगे उतने ही form होते हैं, जैसे hybridization में भी होता है. तो यहाँ पे क्या है कि दो atom है, for example atom A है और atom B है. तो हमें बताना है इसका जब 2s और 2p combine होगा, मतलब B का भी 2s और 2p ही कंबाइन होगा, क्योंकि 2s 2s के साथ ही कंबाइन होता है और 2p 2p के साथ ही कंबाइन होता है. तो ये जब कंबाइन होगा तो टोटल कितने ऑर्बिटल फॉर्म हो जाएंगे नए मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स. तो A के ऑर्बिटल्स कितने पार्टिसिपेट हो रहे हैं वो हम देखेंगे. S में तो एक ऑर्बिटल होता है और P में वैसे तीन होते हैं, Px Py Pz. टोटल चार ऑर्बिटल कंबाइन होंगे. B के कितने होंगे, B के भी एग्जैक्टली इसी तरह से टोटल चार ऑर्बिटल कंबाइन होंगे. A के चार और B के चार, टोटल एट कंबाइन होंगे. तो नए कितने बनेंगे, नए ऑर्बिटल जो बनेंगे वो भी बनेंगे एट. इस क्वेश्चन का आंसर होगा एट. और वैसे तो डायग्राम में भी हम देखते हैं, बुक में डायग्राम इस तरह से दिया होता है कि S ऑर्बिटल इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि कंबाइन होके दो ऑर्बिटल बनते हैं S के, एक बॉन्डिंग एक एंटीबॉन्डिंग. P के भी इस तरह से दिया होता है कि यहाँ पे तीन ऑर्बिटल, दूसरे के भी तीन ऑर्बिटल, जब ये कंबाइन होते हैं तो इस तरह से फॉर्म होता है. ऊपर तीन बनते हैं जो बॉन्डिंग के होते हैं वो, इसी तरह से एंटी बॉन्डिंग के भी तीन बनते हैं नीचे. तो इसमें भी अगर डायग्राम में हम देखेंगे तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स बने हैं, मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स, मतलब ये बीच में जो ऑर्बिटल होते हैं मॉलिक्यूल के होते हैं, लेफ्ट साइड में पहले एटम के, राइट साइड में दूसरे एटम के. तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 बन जाएंगे इस तरह से. तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे 8.